चेहरा है या चांद खिलाए, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं किस टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं हर्षा गुंडला हर्ष वर्धिका की ओर से आज आपके इंटरेस्ट की बात लेकर आई हूँ, और वो है हेयर तपस्या पार्ट टू। इंग्लिश में एक कहावत है, कर्ली हेयर विथ वाइड स्वीट स्माइल इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी। अ लॉट ऑफ पीपल मेक हेयर कॉन्टेक्ट फर्स्ट देन आई कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब ये है कि आज का हमारा विषय होगा हेयर। हम सभी लोग बालों के प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। पार्ट वन में मैंने पहले ही बहुत कुछ समझा दिया है। इस पार्ट टू में हर्षवर्धिका हेयर प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या चीजें आपको पेश करता है, वो कैसे बनी है, यह सारी मालूमात, सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑयल्स बालों में डालने के लिए उपलब्ध है। कहा जाता है इनसे बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे, काले घने लंबे हो जाएंगे। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो भी कोई हेयर ऑयल बेच रहा है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही, आप लोग तो ब्रांड देख के प्रोडक्ट खरीदते हो, पर क्या वो ब्रांडेड नेम का ओनर हेल्दी बाल रखता है, उसके बाल हेल्दी है? क्या द प्रोडक्ट बेचने वाला पर्सन उसके बाल हेल्दी है? कभी ये बात आपने सोच के प्रोडक्ट खरीदा, तेल का बालों के लिए जो आप खरीदते हो? दूसरी बात कि इतने सारे ऑयल में आप सोच नहीं पाते कि कौन सा तेल मैं लूं ताकि मेरा जो मोटो है वो मैं सेटिस्फाई कर सकूं। और अंत में आप ऐसा करते हो कि कोई भी एक तेल इस्तेमाल कर लेते हो सोच के कि इसी तेल से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और एकदम लंबे हो जाएंगे। और रिजल्ट क्या मिलता है? सिर्फ तेल लगाने से आपके बाल गिरना बंद बिल्कुल नहीं होंगे। लिख लीजिए, यदि बालों को आप अच्छे रखना चाहते हो, अच्छे बनाए रखना चाहते हो, तो आपको एक बेस्ट ऑयल मिक्सचर, बालों को साफ करने वाला, यहाँ मैं एक बात कहूँगी, कभी भी शैम्पू इस्तेमाल ना करें
चाहे कितना भी महंगा हो, कभी नहीं, एक्सेप्ट इन द मोस्ट इमरजेंसी केस। तो जो भी शैम्पू मिलते हैं उसका इस्तेमाल करने के बजाय आप उसे अपने घर पे बनाए या उसके बगैर चला ले, पर हरगिज नहीं बाहर के शैम्पू। और तीसरी चीज हम देते हैं वो खाने की मेडिसिन, जो हम हर चीज को घर पे खुद बना के देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सा तेल ऑयल मिक्सचर हर्षवर्धिका आपको देता है। हर्षवर्धिका के ऑयल मिक्सचर में बादाम तेल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और साथ में शहद, इन चीजों से, इन सारे ऑयल और शहद के साथ एक मिक्सचर तैयार करके आपको दिया जाता है, जो बालों के लिए बहुत पौष्टिक है। और जब भी आप लगाते हो बालों में तो उसके अंदर दो चार बूंद नींबू के मिला के लगाया जाए। दूसरी चीज है बालों की सफाई। बालों को आप अच्छे से अपने घर पे बनाए हुए शैम्पू से साफ करना चाहते हो तो घर पे शैम्पू बनाने के इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं। अरीठा, शिकाकाय, ब्राह्मी, आंवला, मेथी पाउडर, कड़वा नीम का पाउडर, पीपल का पाउडर, इन सारी चीजों को दो तीन ग्लास पानी में उबाल लीजिए, ठंडा करके एक बॉटल में भर के फ्रीज में रख दीजिए और इस्तेमाल करते टाइम कुछ पल उसे बालों में लगा के रखिए। और साथ में आप शिकाकाय या डेटोल का साबुन हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यह शैम्पू जो है बहुत ही माइल्ड टोन में रहता है, लाइक बेबी शैम्पू। अभी दोस्तों बात आती है खाने की मेडिसिन की। हर्षवर्धिका पहले ऐसी कोई मेडिसिन आपको देती नहीं थी, पर अभी हर्षवर्धिका आपको घर पे बनाई हुई बेस्ट मेडिसिन देती है। इस मेडिसिन में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है मुलेठी, भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, तुलसी पाउडर और जटामासी। यह सारी चीजें आप सोच के समझ सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंट है बालों के लिए। मैं आपको प्रमाण इसलिए नहीं बता रही कि आप पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बनाने से पहले अच्छे से स्टडी करें, उसकी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज को स्टडी करके फिर उसके प्रमाण डिसाइड करें, ताकि वो प्रोडक्ट आपका एग्जैक्ट बने जिसकी आपको जरूरत है।
अभी हमने आपको बिगिनिंग में कहा कि जो बेचने वाले हैं उनके बाल हेल्दी है क्या? आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट मेरे बारे में डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि जब भी मैं 50 इयर्स ओल्ड थी तभी मेरे बाल बॉयकट थे और उस बॉयकट बालों से मैंने सफर अभी जो तय किया है, अभी मेरी उम्र है 67th रनिंग, और इस उम्र में हर्षवर्धिका को बेचने वाली और इन हाथों से दवाई और प्रोडक्ट को बनाने वाली के बाल कैसे हैं वो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगी। तो हैव अ लिटिल पेशेंस, बाय द टाइम हम आपको बताएं कि यदि आप अपने बालों की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको खाने में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिस प्रकार की आप अच्छे से अच्छा खाना खाते हो अपनी सेहत बनाने के लिए, उसी प्रकार बालों की सेहत बनाए रखने के लिए आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। हम कभी कभी बालों का ख्याल इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमें उसका कोई पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, इसलिए हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। तो उसे निग्लेक्ट ना करते हुए आप उसका ख्याल वक्त से पहले ले तो ही आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी इस उम्र में ये बालों की लेंथ बढ़ा सके अभी मैं कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अभी मैं सिर्फ हर्षवर्धिका के ऑयल मिक्सचर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए हमारे बाल इस उम्र में, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है इसमें, सिर्फ बाल है। कि एक चीज और जो हम हर्षवर्धिका में आपको देते हैं वो है सुबह से या रात को 12 घंटे तक चावल को भिगाए रखिए। उसके बाद उन्हीं चावल को पानी में भिगा के रखिए, उन्हीं चावल को मसल के उसमें से अच्छे से इंग्रेडिएंट्स निकाल लें, बाद में चावल को सेपरेट कर दें और वही पानी चावल का बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करें और उस पानी में कुछ शहद की बूंदे और कुछ नींबू के ड्रॉप्स जरूर ऐड करें और बहुत अच्छे से वीक में 3-4 बार लगाएं और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। अभी मैं जो भी कुछ इस्तेमाल करती हूँ वो सिर्फ ऑयल मिक्सचर और चावल का पानी, उसी से मेरे 67 की उम्र में ये बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात यह पूछना चाहती हूँ कि 50 की उम्र के बाद कौन से डॉक्टर ने आपके बाल बढ़ा के देने का प्रॉमिस किया है?
मेरी मेडिसिन सीनियर सिटीजन भी लेते हैं और लेते ही रहते हैं। इतना अच्छा मशवरा आपको कहीं भी कोई भी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, एंड करने से पहले मैं एक आपके सामने शेयर रखना चाहती हूँ। मिलावट है तेरे इश्क में इतर और शराब की, मिलावट है तेरे इश्क में इतर और शराब की। कभी तेरे चेहरे को देख के हम महक जाते हैं और कभी तेरे जुल्फों को देख के, और कभी तेरे जुल्फों को देख के हम बहक